तो हर स्तर पे एक प्रदूषण, एक जहर फैलाया जा रहा है। कुछ आदमी का जिनको कंट्रोल किया जा सकता है, कंट्रोल सभी को किया जा सकता है अगर एक अच्छी सोच से, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ अगर आगे बढ़ा जाए तो। पिछले अखबार में आया हुआ था कि कहीं पर कोई रथ जगा किया जा रहा था, रथ जगह में आप देखते हैं शोर बहुत होता है, सो नहीं सकते आप। तो वहां पड़ोस में एक छोटा बच्चा 8-10 साल का बीमार था, बीमार था तो वो बच्चा, उसको तकलीफ ज्यादा हो रही थी, वो बार बार अपने पिता को कह रहा, पिताजी ये बंद करवा दो शोर, बंद करवा दो ये शोर, मेरे से सहन नहीं होता है। अब पिताजी मजबूर कहने लगे कि मैं कैसे जाऊं, अगर इनको कहता हूं तो ये कहेंगे हमारे धार्मिक काम में ये बाधा डाल रहा है। उसने कुछ नहीं कहा तो सुबह तक वो बच्चा मर गया, ये समाचार। बच्चे पढ़ते हैं, उनकी पढ़ाई में खलल डलता है, ये धर्म नहीं है। धर्म है एक दूसरे की मदद करने का नाम। अगर आप मदद कर सकते हैं तो धार्मिक हैं, क्योंकि सारा सिस्टम एक दूसरे की मदद से चल रहा है। सारा सिस्टम, ये ब्रह्मांड, एक सूरज दूसरे सूरज के चारों तरफ चक्कर काट रहा है, वो दूसरा सूरज तीसरे सूरज के चारों तरफ का चक्कर काट रहा है। इस तरह से आकाश गंगा दूसरी आकाश गंगा के चारों तरफ का चक्कर काट रही है। इसी तरह विज्ञान कहता है एक बिंदु है जिसके चारों तरफ यू सारा ब्रह्मांड चक्कर काट रहा है, तो एक दूसरे की मदद हो रही है कि नहीं हो रही है। सूरज के अंदर छोटी सी हलचल इस पृथ्वी पर तबाही मचा देती है, विज्ञान कहता है आपका। ये जो हलन आते हैं, तूफान उठते हैं समुद्र में, ये उसके अंदर कोई ज्यादा धमाका हो जाए, कोई और घटना घट जाए, उसकी वजह से आ जाते हैं। यानी कि सारा संसार एक दूसरे का सारा चल रहा है, और आप सोचते हैं आप अकेले उभर जाएंगे, भूल जाइए इस बात को। ये कुदरत का खेल हंसी खेल नहीं है ये। अगर आपने गलत तरीके से कोई चीज खींच ली है तो वापस खींच ली जाएगी वो, अगर अधिकारी नहीं है तो। अगर अधिकारी बन गए हैं तो कोई छीनने वाला नहीं है, अगर मेहनत डाल दी गई है तो कोई छीनने वाला नहीं है, अगर आहुति डाल दी गई है तो रिजल्ट आएगा, अरे भाग्य को कोई बदलने वाला नहीं है। भाग्य जब बदलेगा तो हमारे अंदर खोट आ जाता है। महात्मा बुद्ध कहते हैं, लाओत्से कहते हैं, कि हमारे सुख दुख का जिम्मेदार हम खुद हैं, कोई और वार की शक्ति नहीं है, कोई दैविक शक्ति नहीं है। दैविक शक्ति सारी है तुम्हारे अंतर में है। जैसे मैंने ऊर्जाओं की तय बताई, शक्तियों की तय बताई, जो चक्कर बताए है तुम्हारे अंतर में है। तो उस दुर्भाग्य को, उस सौभाग्य को आप सोचते हैं कोई बाहर की ताकत आकर आपके दिए न जला जाएगी, आप ना हाथ उठाना पड़ेगा, माचिस जलानी पड़ेगी अगर दिए को जलाना है तो, तेल डालना पड़ेगा। आप सोचते हैं कोई दैविक ताकत आएगी आपके दिए को जला जाएगी, दैविक ताकत करती है काम अगर आपकी सोच दैविक है तो। आपका हाथ कुदरती अच्छी चीज की तरफ उठेगा, खुद जलाएगा उसको जा करके। अरे ऐसी बात होती तो कृष्ण महाराज को, राम को जन्म लेने की जरूरत नहीं पड़ती।
वैसे ही मार देते उनको, रावण को और हिरण्यकश्यप को। शरीर में आना पड़ता, अगर को ताकत काम करेगी तो आपके शरीर के अंदर से काम करेगी वो, कोई बाहर की ताकत नहीं। भटकते हैं आप, बुझ आप करवाते और लूटे जाते हैं। मैं भी लूट सकता हूं, ये विज्ञान मेरा क्लियर हो चुका है। एक गंडा दे करके, और जब बात पे आप आंख मीच के विश्वास करने लग जाते हैं, आधे तो वहीं ठीक हो जाते हैं आप। आते हैं सत्संगी, आपने डॉक्टर साहब मेरा ये काम कर दिया, मेरा ये काम कर दिया, मेरे को नहीं पता इनका विश्वास है। और जो जितना निस्वार्थ होगा जहां बैठते उतना ही काम ज्यादा हो जाएगा। और जो जितना ज्यादा लूटने लग जाएगा उस पर से विश्वास उठ जाएगा, उतना ही कम काम होने लग जाएगा। आपके दिमाग में एक विश्वास बनता है, जमता, आपकी ताकत इकट्ठी होती, यूनाइट होती, आपका अंतर से ज्ञान का दिया जलता है। तो ये धर्म नहीं है कि आप धर्म के नाम पर आसपास में, अगर जैसे उस बच्चे का मैंने उदाहरण दिया, अगर तकलीफ होती है तो वो धर्म नहीं मानता मैं। धर्म वो है जो आपके चारों तरफ पशु बैठे हैं तो उसको भी शांति मिलती है, पौधा है तो उसको भी शांति मिलती है, मैं उसको धर्म मानता हूं। आप पौधा काटते हैं, व्रत रखते हैं और पशु को काट करके आहुति देते हैं, पशु के हिसाब से तो आप दुश्मन हुए। और जब किसी अंग के आप दुश्मन हो गए हैं तो छोड़ दिया, आप किस परमात्मा की पूजा करेंगे? परमात्मा तो कण कण में बैठा हुआ है, पत्ते पत्ते में बैठा हुआ है। आप अपने व्रत खोलते हैं, हलाल करते हैं, बकरा काटते हैं, तो वो धर्म चलने वाला नहीं है। धर्म वो है जो आप अपने चारों तरफ पर एक सुख शांति और प्यार बांटते हैं। मेरी बातों से आप खुश हो सकते हैं, इसलिए मैं कहता हूं कि सबसे बड़ा धर्म है तो प्यार हो। पशु भी मानता, पौधा भी मानता, मैं कहता हूं कि निर्जीव तत्व भी मानता उस चीज को, वो धर्म है। जब पशु के ऊपर हाथ फेरते हैं तो खुश होता है, ज्यादा दूध देता है। पौधे के पास बैठ करके उसकी सेवा करते हैं तो पौधा भी रिस्पॉन्ड करता है, धर्म वो है। मैं बैठ करके गीता या कुरान या सार वचन के उसको शब्द सुनाता हूं, गुरु के शब्द सुनाता हूं, वो नहीं सुनता, पौधा नहीं सुनने वाला है उसको, वो पशु नहीं सुनने वाला है। वो आपके हाथ को बोलने की जरूरत नहीं है, वो आपके हाथ को मानेगा, उसको धर्म कहता हूं। पशु के सामने मेरे सदगुरु की तस्वीर रखूंगा, पशु के लिए कोई कीमत नहीं है उस चीज की, उसका भगवान नहीं है वो। मेरे सदगुरु को तस्वीर में थोड़े, कोई सकल में थोड़े थे, वो तो एक प्रेम की धार थे, और जहां वो प्रेम की धार फड़ेगी मेरे सदगुरु का प्रस्फुटन होगा, मेरे सदगुरु का अंकुर फूटेगा वहां पर। अगर मेरे सदगुरु का रूप जानना चाहते हैं तो आप, वो अंकुर जितने महापुरुष आए हैं उनके अंदर फूटे है, फिर मेरे सदगुरु के अंदर भी संगीत उठा है, उन होठों से बजी है वो, उन होठों से उस दिए के अंदर से वो प्रकाश मिला है, जो प्रकाश राम और कृष्ण के अंदर से मिला था, जो संगीत राम और कृष्ण के अंदर से मिला था, वो संगीत धार अलग नहीं है। वो बल्लभ बुझ गया था, एक दूसरे बल्लभ के रूप में पैदा हुआ, रोशनी तो हुई, बल्लभ की कोई कीमत नहीं। बल्लभ को नहीं देखते आप, बल्लभ टंगा हुआ है, आपको दिखता है बल्लभ है, लेकिन जब बल्लभ जल जाता है तो प्रकाश मुख्य हो जाता है, बल्लभ की तरफ ध्यान नहीं जाता आपका। अगर आप बल्लभ की पूजा करते रहे, प्रकाश को गालियां देते रहे, काम प्रकाश से ले रहे हैं आप, तो मारे जाएंगे आप। मुझे दीपक को उठाए फिरते मारे जाएंगे आप। जो दीपक आज आपके सामने है, जिसके अंदर तेल डला हुआ है, जो प्रकाश दे रहा है, उससे काम चलेगा आपका, उससे ज्ञान मिलेगा आपको। गलत रास्ते पर जा रहे हैं तो वो बताएगा आपको, बीमारी है उसका इलाज बताएगा।